हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सेवन साइनाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रीडीसीआर में जब आप फाइल को वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद भी शॉर्टफॉल में यूजुअली तीन तरह की एरर आ जाती है। वो क्या है देख सकते हैं आप। पहला प्रोजेक्ट टाइटल, दूसरा पार्किंग प्लान प्रोजेक्ट टाइटल, तीसरा पार्किंग प्लान। ये कॉमन सी एरर ज़्यादातर मैंने देखा है, कमेंट में लोगों ने किया है कि इस तरह की एरर आ रही हैं। तो आज इसके लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। और दोस्तों, इसकी जो शॉर्टफॉल रिपोर्ट है फेलियर के बाद, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, फेलियर वाली भी और जो हमने रिजॉल्व किया वो वाली भी। तो पहले उसको देखने से पहले ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। कोई भी स्टेप मिस हो गया तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइट। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, एरर्स दिख रही हैं सारी। प्रोजेक्ट टाइटल हो गया, पार्किंग प्लान टाइटल, और बस यही एक एरर है, बाकी इनकी ड्राइंग जो है वो वेरीफाई है। यहाँ देख सकते हैं इन्होंने रिजॉल्व किया, उसके बाद भी एक प्रोजेक्ट टाइटल की एरर आ रही है। ये हमारी ड्राइंग है, आइए शुरू करते हैं। ये साइट प्लान है, पहली प्रोजेक्ट टाइटल ये है, पार्किंग वो है। दो चीज़ें को मैंने लोकेशन आपको दिखा दी है, कैसे रिजॉल्व करना है। आइए पहले मैं अपना तरीका आपको बताता हूँ कैसे करना है, उसके बाद चेक करेंगे हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, ये प्रोजेक्ट टाइटल हो गया, ये पार्किंग यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग को आपको मार्क करना ही नहीं है। आप जीरो लेयर में उसको शो कर सकते हैं, प्रीडीसीआर लेयर में उसको शो ना करिए, अदरवाइज वो आपका वेरिफिकेशन में तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि लेयर तो आपने कंप्लीट अच्छे से की है मार्क, शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो मैंने उसे उठाया है, मूव कर दिया है साइट प्लान में। ठीक है, एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं। मुझको रिपोर्ट जनरेट करने से पहले एंटिटीज़ को वेरीफाई करना होगा। सेकंड वेरीफिकेशन ये है। दोस्तों, ड्राइंग बड़ी है, वेरीफिकेशन थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ना इसको स्किप कर देता हूँ, आप लोग पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। मेन मोटिव ये है कि इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, अदरवाइज वीडियो 15-20 मिनट का चला जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, हो रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है ये एंटिटी, ओके, सारी फाउंड ओके है। देखिए, अब स्क्रूटनी को, रिपोर्ट को हम जनरेट करेंगे और उसमें वो क्या दिखाएगा, मैंने ठीक किया है या नहीं किया है। देखिए दोस्तों, मैंने पहला क्या किया है कि प्रोजेक्ट टाइटल को, जो कि बिल्डिंग लेयर से टच था, उसको मूव कर दिया है, और दूसरा मैंने पार्किंग को ग्राउंड फ्लोर से उठा के साइट प्लान में रख दिया है। अब देखते हैं मैंने सही किया है या गलत किया है, क्या मुझे ये स्टेप दोबारा करने पड़ेंगे, क्या मुझे डिलीट करके करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझको बोलेगा, अब वो बोलेगा लेकिन वो तरीका नहीं बताएगा कि करना कैसे है। एक्चुअली इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगता है। देखिए, हो रहा है, ये हो चुका है, यहाँ पे प्लॉट डिटेल आ गई, ओके कर दीजिए। इसमें यहाँ पर डिटेल्स आपको पता ही है क्या क्या दिखाता है ये। ठीक है, लो राइज बिल्डिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ सब भी ओके। देखिए, रिपोर्ट अब शो करेगा ये, अभी भी एंटिटीज चेक कर रहा है। ये इसने एरिया टेबल को बना दिया है, देखिए बता रहा है कि ओनली आपको शॉर्टफॉल की रिपोर्ट दिखाएगा ये, जो भी फेलियर है एंटिटीज, केवल उसी चीज़ की रिपोर्ट दिखाएगा। चलो देखते हैं, ये खुल रहा है, ये देखिए दोस्तों, मिनिमम रिक्वायर्ड एंटिटी, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइटल का एरर अभी भी है, हालांकि पार्किंग प्लान का जो एरर था वो रिजॉल्व हो चुका है, बस एक ही एरर बचा है, बाकी सारी ऑटो डीसीआर लेयर के अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब जो मैंने प्रोजेक्ट टाइटल को मूव किया उससे काम नहीं बना। इस रिपोर्ट को मैं सेव कर देता हूँ दोस्तों, और मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं पीडीएफ में। प्रीडीसीआर रिपोर्ट के नाम से, फेलियर के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ताकि बाद में पता चल सके हमको कि सही किया गलत। ठीक है, इसका मतलब मेरे इसने तो भाई काम नहीं किया, कोई बात नहीं।
अब हम अपना तरीके से इसको करते हैं। पहले तो मुझको इसको वापस वैसे ही लाना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट टाइप को इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये मुझे बैक ना करना पड़े, ये सारी चीज़ें अपने आप ही हटा दे इसमें से। लेयर गायब हो गई, टूल्स में जाएंगे, लेयर वापस आ जाएगी। तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ क्योंकि मैंने आपके सामने इसको नहीं करके दिखाया कि कैसे करना है। प्रोजेक्ट टाइटल को आपको कैसे यहाँ पर लाना है मैंने आपको दिखाया नहीं है, पहले से था इसमें। आई डोंट नो आप लोग कैसे करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाएंगे ज़ीरो लेयर से, मैं इसको ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक, अब मैं इसको कर देता हूँ अदर डिटेल से सेलेक्ट। अदर डिटेल से भी आप इसको बना सकते हैं, कोई वैसा नहीं है। अब इसको दोस्तों मार्क करेंगे, जैसे अदर डिटेल को आप मार्क करते हैं। अदर डिटेल्स, ये रहा हमारा अदर डिटेल्स, प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है दोस्तों, इसने हमको यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया है, मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा है, केवल एक बॉक्स बनाया है, उसका कलर लेयर चेंज कर दिया है। प्रोजेक्ट टाइटल मैं दोस्तों यहाँ पे लिखूंगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान फॉर, अपने क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं या जो भी आप उसको प्रोजेक्ट टाइटल देना चाहते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा लंबा ना हो और इस बाउंड्री के अंदर ही रहे। मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप, बाउंड्री से बाहर चला गया। मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है ताकि इसी बाउंड्री के अंदर आए। रीवेरीफाई कर लेते हैं कि लेयर में ये है कि नहीं है सही से। ओके, वेरीफाई कर रहा है दोस्तों। स्क्रूटनी रिपोर्ट को जनरेट करने से पहले हमें हर चीज़ को वेरीफाई करते चलेंगे, हर एक स्टेप को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ना अगर हम एक स्टेप को ठीक करते हैं तो दूसरे में एरर आ जाती है। देखिए, जब मैं आपको कह रहा था स्टेयर केस में, इसने एक नहीं चार एरर दे दिए। चलिए ठीक है, अच्छा दे दिए, एक नई चीज़ और आपको पता चल जाएगी यहाँ से। रेलिंग में एरर बता रहा है दोस्तों ये। मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको रिजॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट मारते हैं थोड़ा सा, मैंने डिलीट कर दी रेलिंग, रीड्रॉ कर देता हूँ फटाफट से दोस्तों। मैक्सिमम एरर तो हमारी रीड्रॉ करने से ही गायब हो जाती हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये भी गायब हो जाएगी जब मैं इसको रीड्रॉ करूँगा। फटाफट से इसको मार्क कर देते हैं, स्टेयरकेस, रेलिंग, क्लिक, एंटर, 1 मीटर हाइट, और नहीं करना है मुझको। शॉर्टकट मार रहा हूँ जैसे मैंने आपको बोला, उठाया अदर फ्लोर पे कॉपी कर दिया। दोस्तों एक एरर को रिजॉल्व करी, दूसरी एरर आ गई, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सेंसिटिव ये प्रीडीसीआर सॉफ्टवेयर है। स्टेयर केस को मैं उठा के यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, अदरवाइज ये फिर एरर शो कर देगा कि एंटिटी डज नॉट फाउंड एनी टेक्स्ट। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, उम्मीद है कि अब कोई एरर नहीं आएगी। बट ये प्रीडिसियर आप जानते हैं, यूजुअली यूज़ करते होंगे तो पता चल जाता होगा कि कितना जल्दी जल्दी एरर शो करता है। ये वेरीफाई हो चुका है, एंटिटीज़ ओके हैं, रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। आप जानते ही हैं कि इसमें तो टाइम लगता है ये रिपोर्ट को जनरेट करने में। ठीक है, ओके करते हैं इसको। रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है हमारी। ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, ये ओपन हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइटल का जो एरर था, शॉर्टफॉल था, वो हट चुका है। मिनिमम रिक्वायर्ड एंटिटीज हैज बीन फाउंड बता रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, काफ़ी इजी था, बस स्टेप बाय स्टेप उसको कीजिए, ये हो जाएगा। इसका PDF मैं सेव कर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखना चाहें तो इस रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं। PDCR रिपोर्ट,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। पीटीसीआर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।